Allahu 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 Allah। अवैस भाई, मुस्तकबिल में आप अफगान तालिबान का क्या रोल देखते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, अफगान तालिबान जो हैं वो हमारे भाई हैं और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम लिया है उनसे, लेकिन और आपको मालूम है कि उससे पहले भी मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ उनके बारे में, लेकिन एक बात समझने की है कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनके जो एक्चुअल लीडर थे मुल्ला उमर थे, वो अब उनके दरमियान नहीं है। और अब ज़्यादातर जो बागडोर उन्होंने संभाली हुई है वो जो उनके रेदर यंग जो एक बाद की जनरेशन है उसने संभाली हुई है, और इस जनरेशन की वो स्ट्रगल भी नहीं है जो इससे पिछली जनरेशन की थी। यानी इन्होंने वो जंग उस तरह से नहीं लड़ी जिस तरह इनसे पहले जो मुल्ला उमर ने और उनके करीबी साथियों ने लड़ी थी। और मुल्ला उमर और उनके साथी जो थे वो जो अफ़गान जहाद है USSR के ख़िलाफ़, उसके उससे गुज़र कर एक जिस तरह लोहा सोना आग में जलकर कुंदन बनता है, वो उस वॉर से निकली हुई एक क्रीम थी। लेकिन उसके बाद एक ये जो मामला अमेरिका का वहाँ पे रहा, उस वॉर के में वो जो बड़े बड़े लोग थे, अहम लोग थे, वो तो अल्लाह की रहमत से शहीद हो गए, काम आ गए। बाद की जनरेशन ने उस तरह से टेक ओवर नहीं किया अफ़गानिस्तान को जिस तरह से अफ़गानियों ने USSR से लिया था। ये तो अमेरिका वहाँ से चला गया, ये कोई जंग का नतीजा तो नहीं था। हाँ ठीक है, पहले एक तवील जंग का आखिरी हिस्सा ज़रूर था, लेकिन ये नर्व्स की गेम थी, सब्र का मामला था। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जब सब्र मजीद नहीं हो सका, तो अमेरिका को वहाँ से मूव आउट करना पड़ा। तो इस जनरेशन से आप वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो मामला मुल्ला उमर के दौर में था। तो इनसे ज़रूर बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं, और इनके अंदर वो वाला इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं नज़र आता, वो वाला डिसिप्लिन नज़र नहीं आता जो हमारे हम जिन अफगान तालिबान को हम पहले से जानते थे। और वो अफगान तालिबान वो थे कि पाकिस्तान की इज्जत करने वाले थे, पाकिस्तान की तकरीम करने वाले थे, पाकिस्तान के साथ भाईचारे का मामला करने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान ने वो गलती की, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वो अजीम ब्लंडर किया कि जिसकी वजह से हमने अपने ही भाइयों को मरवाया, अपने ही भाइयों के खिलाफ दुश्मन का साथ दिया। एक तो मामला ये हुआ कि वो जनरेशन नहीं रही, दूसरा मामला ये हुआ कि इस नई जनरेशन के अंदर वो दर्द और तकलीफ है। ये जनरेशन इस मामले को, इस दुख को बहुत ज्यादा अपने दिलों पर लेती है कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ दुश्मन का साथ दिया था। उनके लिए आसान नहीं है कि वो पाकिस्तान को माफ कर सकें इस मामले में। ऑल्दो उनकी जो मेन स्ट्रीम हुकूमत है, मेन स्ट्रीम जो लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान का साथ देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे इस कदर तकलीफ़ है, इस कदर एक डिसेंट है, और इस कदर आम तालिबान जो रहनुमा है और आम सोल्जर है उसके अंदर इस मामले के लिए एक बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम जो टॉप लीडर्स हैं उनको भी नज़र ऐसी आ रहा है कि गिव अप करना पड़ा है बहुत सारे मामलों में। तो अल्लाह ना करे अब हम बहुत सारी चीज़ें जो है मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों के ज़रिए भी लेते हैं, उसमें भी यही दिखाया गया कि एक ग्रुप जो अफ़गानिस्तान में स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हो चुका है, और वो जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उनको उस तरह से रोकने में कामयाब नहीं होते, और उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब भी होते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की कोई सूरत बन सकती है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और अफगान तालिबान को भी अल्लाह ताला हमें भी और उन्हें भी हक का रास्ता दिखाए, और एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के लिए बॉर्डर जो है वो हॉट बॉर्डर्स बनाने के बजाय एक पीसफुल बॉर्डर्स बनाने की तौफीक अता फरमाए। और अफगान तालिबान को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में अब वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं कि जिन्होंने दुश्मन का साथ दिया था,
हमें इस चीज़ का एहसास है कि ये काम नहीं होना चाहिए था, और हम अल्लाह के फजल से इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने जो दुश्मन है उसके खिलाफ खुलकर बात करना शुरू की है, और जो पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में था उससे बाहर आ रहा है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फसल से बहुत हद तक अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अमेरिकन कैंप से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। तो अफगान तालिबान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी समझना चाहिए, और किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जो जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सके।